तस्मात् शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि विषय वेदना संतानस्य अहंकार संबंधाद ज्ञान बीजस्य नित्य विज्ञान अन्य निमित्तस्य आत्मतत्व याथात्म विज्ञानात् विनिवृत्तौ अज्ञान बीजस्य विच्छेदे आत्मनो मोक्ष संज्ञा विपर्यये च बंध संज्ञा स्वरूप अपेक्षत्वात् उभयोः ब्रह्मः इति ऐतिह्य अर्थः। पुरा किल देवासुर संग्रामे जगत स्थिति परिपिपाल इशया आत्मानुशासन वर्तिभ्यो देवेभ्यः अर्थिभ्यः अर्थाय विजिज्ञे अजय शीत असुरान ब्रह्मणः इच्छा निमित्तो विजयो देवानां बभूव इत्यर्थः। तस्यः ब्रह्मणः विजये देवाः अमहीयन्त यज्ञादि लोकस्थिति अपहारिषु असुरेषु पराजितेषु देवाः वृद्धिं पूजां वा प्राप्तवन्तः। त ऐक्षन्त इति मिथ्याप्रत्ययत्वात् हेयत्वख्यापनार्थम् आम्नायः। ईश्वरनिमित्ते विजये स्वसामर्थ्यनिमित्तः अस्माकम् एव अयं विजयः अस्माकम् एव अयं महिमा इति आत्मानो जयादि श्रेयो निमित्तं सर्वात्मानं आत्मस्थं सर्वकल्याणास्पदं ईश्वरं एव आत्मत्वेन अबुद्ध्वा पिण्डमात्राभिमानाः सन्तः यं मिथ्याप्रत्ययं चक्रुः तस्य पिण्डमात्रविषयत्वेन मिथ्याप्रत्ययत्वात् सर्वात्मा ईश्वर याथात्म्य अवबोधेन हातव्यताख्यापनार्थः तदह एषाम् इत्यादि आख्यायिका आम्नायः। तद्ब्रह्मः किल एषां देवानाम् अभिप्रायं मिथ्याहङ्काररूपं विजज्ञौ विज्ञातवत् ज्ञात्वा च मिथ्याभिमानशातनेन तद् अनुजिघृक्षया तेभ्यः देवेभ्यः अर्थाय तेषाम् एव इन्द्रियगोचरे नातिदूरे प्रादुर्बभूव। महेश्वरशक्तिमायोपात्तेन अत्यन्त अद्भुतेन प्रादुर्भूतं किल केनचित् रूपविशेषेण तत् किल उपलभमानापि देवाः न व्यजानत न विज्ञातवन्तः। किमिदं यद् एतद् यक्षं पूज्यम् इति। ओम। सो एकस्मिन् ईश्वरे एव संसारित्वम् अविद्याध्यारोपितं शास्त्रप्रामाण्यात् अभ्युपगतम् असंसारित्वम् इति अविरोधः। तो मीमांसा के विचार के अंतिम चरण में निर्णय ये निष्पन्न हुआ कि एक ही ईश्वर तत्व है, शुद्ध चिदघन
विज्ञान घन चेतन मात्र एक अस्तित्व है और वही है और उससे व्यतिरिक्त और कोई सत्ता वास्तव में है नहीं। उससे व्यतिरिक्त होकर के न जगत की सत्ता है न जीव की सत्ता है, बल्कि उसी चेतन में उसी विज्ञान में तो संसारित्व का आरोप हुआ है अविद्या से, और अविद्या भंग होने पर इसका अभिप्राय है कि अंतःकरणी भाव का भंग होने पर देही भाव का भंग हो जाने पर वह चेतन कभी भी संसारी नहीं हुआ, यह सिद्ध होता है। जिन लोगों ने अंतःकरणी भाव को अथवा देही भाव को परमार्थतः स्वीकार कर लिया और ऐसा मानते हैं कि परमार्थ दशा में भी ये भाव बना रहता है, संसारी भाव बना रहता है, विकारी भाव रहता ही है, यानी जीव की सत्ता ही ऐसी है, अगर ऐसा मानते हैं तो भाष्यकार ने इस मान्यता में जो दोष हो सकते हैं उनको दिखाया है। क्या बोलते हैं? विक्रियावत्वे सति अनित्यत्वात्। एक बार कोई किसी को विकारी माने और फिर उसको नित्य माने तो ये किसी भी प्रकार से बनेगा नहीं। दूसरे सारे दार्शनिकों ने मोक्ष की अवस्था में आत्मा को विशेषण से रहित माना है, केवल स्वरूपावस्थान ही मोक्ष है और उस स्वरूप में और कुछ भी मिला हुआ नहीं होना चाहिए। एक बार निर्विशेष अवस्था को आप स्वीकार करते हो तो विशेषण के कारण ही भेद की उपपत्ति होती है। भेद की सिद्धि, भेद की उपपत्ति बिना विशेषण के नहीं हो सकती। ये कई बार बात आ चुकी है। हमारे आपके देह में भेद इसलिए है क्योंकि हमारे विशेषण अलग अलग हैं। अगर दो एक ही रूप रंग के व्यक्ति भी हों तो बिल्कुल एक आयु डिट्टो हो जाए तो भेद क्यों होगा? भेद आंतरिक हो सकता है, बाहर भी होगा, देश विशेष के कारण। ये देश भी तो हमारी विशेषता है ना। यह शरीर एतद् देश विशिष्ट है और वह शरीर तद् देश विशिष्ट है। ये माने विशेष का अगर निरसन कर दिया जाए तो भेद की किसी भी प्रकार से सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए तो दर्शन शास्त्रों में परिभाषा यही कर दी, विशेषो नाम भेदः। भेद कहते ही हैं विशेष को। तो एक बार अगर यह बात स्वीकार की जाती है कि मोक्ष उस दशा का नाम है जहाँ आत्मा में किसी प्रकार का विशेषण नहीं रहता, तो फिर एक आत्मा का दूसरे आत्मा के साथ भेद की बात कहना कैसे संभव होता है ये आपको बताना पड़ेगा। निर्विशेषे भिदा कुतः। एक बार निर्विशेष स्थिति को स्वीकार किया जाए और फिर भी भेद को स्वीकार किया जाए, ये विचार में
असंगति है, दोष है। तो सारे दर्शनों ने आत्मा को मोक्ष दशा में विशेषण शून्य माना है, और अगर कोई सविशेष मानता है परमार्थ में भी, तो लिखते हैं अभ्युपगमे सति च अनित्यत्व प्रसंगात। और अगर मोक्ष दशा में भी विशेषण को कोई स्वीकार करता है, तो वहाँ विशेषण विशेष से संबंध होने से अनित्यता का प्रसंग रहता ही रहता है। सो सिद्धम सिद्धम एकत्वम, बोले विचार की हर प्रक्रिया से अंततः यही सिद्ध होता है कि वस्तु केवल 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 एक है, उसी का नाम है सर्वात्मा, माने समस्त जीवों का आत्मा, उसी का नाम है ईश्वर, उसी का नाम है ब्रह्मा। तो ऐसा जो आत्मा है, चूंकि वही है और उसी में संसारित्व का आरोप हुआ है, तो बंद करके रखें मोबाइल, इस क्लास में नहीं होनी चाहिए। तो उसी आत्मा में फिर बंधन और मुक्ति का भी व्यवहार बताना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा तो फिर कोई है नहीं। तो बद्ध कौन है, तो ये कहना ही पड़ेगा कि वही आत्मा। और मुक्त कौन हुआ, कहना ही पड़ेगा कि वही आत्मा। और ये भी कहना है कि वो नित्य मुक्त है। तो ये व्यवस्था, माने दर्शन के प्रश्न हैं, ये व्यवस्था मांगी जाएगी और वो व्यवस्था आपको देनी पड़ेगी। बोलते हैं आत्मनः, देखो भाष्यकार अब इसी बिंदु पे चर्चा करते हैं। बोलते हैं आत्मनः मोक्ष संज्ञा विपर्यय च बंध संज्ञा। ये आत्मनः एव मोक्ष संज्ञा, आत्मनः एव बंध संज्ञा। आत्मा षष्ठी, आत्मनः षष्ठी एक वचन, आत्मा की ही बंध संज्ञा होती है और आत्मा की ही मोक्ष संज्ञा होती है। वो बंध संज्ञा कब होती है और मोक्ष संज्ञा कब होती है, इसका विवरण करते हैं। बोले स्थिति क्या है, शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि विषय वेदना संतानस्य आत्मनः, ये जो आत्मना है इसी का फिर विवरण करते हुए पहले के शब्द हैं। क्या बोलते हैं, तस्मात् शरीर, तो अपने शरीर पर ध्यान जाना चाहिए, शरीर इंद्रिय, तो अपनी इंद्रियों पर ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ शब्द लिखा है उसका अर्थ आपके पास है, यह शरीर ये इंद्रियां, ऐसे। तस्मात् शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि विषय वेदना संतानस्य, ये इकट्ठे एक वेदना की परंपरा चल रही है। वेदना संतानस्य, वेदना मने ज्ञान, वेदना मने अनुभूति, वेदना संतानस्य एक वेदन का प्रवाह चल रहा है, संवेदना का एक प्रवाह चल रहा है निरंतर निरंतर निरंतर। वो प्रवाह में कौन कौन शामिल है, बोले शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है और विषय है। माने शरीर इंद्रियां मन बुद्धि और विषय है, क्योंकि वेदना का विषय वही है। तो वेदन करने वाला एक हो गया,
वेदना के करण हो गए और वेदना का विषय हो गया। ये तीनों समकाल में, तीनों युगपत हैं। युगपत का अभिप्राय हुआ एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता, विषय के बिना मन नहीं, मन के बिना विषय नहीं, ऐसी स्थिति है। इंद्रियों के बिना विषय का ज्ञान नहीं, और विषय ही ना हो तो इंद्रिय क्या है। शरीर में बना हुआ एक आकार मात्र रहेगा, शब्द न हो तो श्रवण इंद्रिय की पहचान नहीं हो सकती, श्रवण इंद्रिय न हो तो शब्द की पहचान नहीं हो सकती, शरीर न हो तो इंद्रियों के लिए अधिकरण नहीं है। यह बात वेदांत में बड़े ही साफ शब्दों में कही गई कि शरीर के अधिकरण के बिना इंद्रिय व्यापार नहीं हो सकता। तो कभी कभी ना चमत्कार की भाषा में लोग ऐसा कभी सुनते बोलते हैं कि वो तो सूक्ष्म शरीर से ही व्यवहार कर लेते हैं। भगवान भाष्यकार ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में इसका बड़ी प्रबलता से खंडन किया, बोले प्रमाता प्रमाण व्यापार बिना शरीराधिकरण के हो नहीं सकता, असंभव बात मत करो। चाहे योगी की इंद्रिय हो चाहे भोगी की इंद्रिय हो, इंद्रिय के प्रकट होने के लिए, इंद्रिय का व्यापार करने के लिए शरीर का अधिकरण होना आवश्यक है, और वह अधिकरण जितना योग्य होगा उतना ही इंद्रिय व्यापार संभव है। अयोग्य शरीर में इंद्रिय व्यापार भी पूरी तरह से संभव नहीं है। जैसे जीव तो सांप भी है, लेकिन वहाँ पर शरीर का जो अधिकरण है उसमें केवल तीन इंद्रियां प्रकट हो सकती हैं। शरीर तो वृक्ष भी है, लेकिन उस वृक्ष शरीर के अधिकरण में तो केवल स्पर्श इंद्रिय, और वो भी मंद स्थिति में संभव होती है। तो देहाधिकरण को धारण किए बिना, देहाधिकरण को प्राप्त किए बिना इंद्रिय व्यापार नहीं है, और इसी तरह से मनोव्यापार भी नहीं है। मन भी एक इंद्रिय है, उसको इंद्रिय शब्द से बोलते हैं। गीता में ही बोला गया मनस्षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो मन भी इंद्रिय है, और मन की जैसे नेत्र इंद्रिय के लिए गोलक चाहिए, वैसे ही मन इंद्रिय के लिए भी गोलक चाहिए। उस गोलक का ही नाम है मस्तिष्क। ब्रेन जिसको आप कहते हैं, मस्तिष्क मन नहीं है बल्कि मन का गोलक है। जैसे नेत्र गोलक खराब होने पर नेत्र काम नहीं कर पाता, इसी तरह से मस्तिष्क नाम का गोलक अगर खराब हो जाए तो मनोव्यापार भी नहीं हो पाता। मस्तिष्क के जरिए लोग मन को बेहोश करते हैं। कोई मन के साथ सीधे सीधे व्यवहार कर नहीं सकता। मन सूक्ष्म है, उसको आप तो छू ही नहीं सकते, लेकिन फिर एक व्यक्ति दूसरे को बेहोश कर देता है, वहां पर हेतु क्या है? उसके अधिकरण को प्रभावित कर दिया आपने, जिस अधिकरण में बैठ करके वो मन व्यापार कर रहा था, उस अधिकरण को कहीं न कहीं हमने प्रभावित कर दिया, उसके स्नायु तंत्र को तो प्रभावित किया, तो मनोव्यापार बंद हो गया। तो दोनों का व्यापार एक दूसरे के सापेक्ष होने से कदाचित भ्रम भी होता है कि मन और मस्तिष्क एक हैं, कि नेत्र इंद्रिय और नेत्र गोलक एक हैं, कि श्रोत्र इंद्रिय और कर्ण गोलक एक हैं। ऐसा दोनों के व्यापार का सहचार होने के नाते ये
हैं दोनों अलग अलग, तो अभी वो विषय नहीं है, अभी तो हमने संकेत मात्र किया। अभी हमारा विषय केवल इतना है कि ये जो पांचों चीजें हैं ये युगपत है, परस्पर सापेक्ष हैं, एक के बिना दूसरे का, दूसरे के बिना पहले का व्यापार हो नहीं सकता। विषय हो तो व्यापार होगा, इंद्रियां हो तो व्यापार होगा, मन बुद्धि हो तो व्यापार होगा, देह हो तो व्यापार होगा। माने ये इकट्ठे पांचों चाहिए आपको, अविना भाव सा लगता है। देह ना होवे इंद्रिय व्यापार कैसे हो? अच्छा कल्पना कर लो, पांचों इंद्रिय व्यापार शून्य हो जाए तो मनोव्यापार नहीं हो सकता। बोले ये कैसे हो गया? बोले ये ऐसे हुआ क्योंकि सूचना तंत्र तो इंद्रिय के पास है, इंद्रिय ही विषयों को बाहर से भीतर ले जाती है। तो ज्ञान की जो नदियां हैं पंच नद्यः सरस्वती, ये वेद में इस तरह से वाक्य आता है, ये पांच स्रोत हैं हमारे भीतर, जो बुद्धि देवी हैं, माता सरस्वती कहिए, तो वो पंच नद्यः, वो पांच स्रोत हैं उनके, निरंतर सूचना भीतर जाती रहती है और तब व्यापार होता है। इसलिए आपने पढ़ा विज्ञान में कोश में भी पांचों इंद्रियां हैं और मनोमय कोश में भी पांचों इंद्रियां हैं। मनोमय कोश बिना पंच इंद्रियों के नहीं हो सकता, विज्ञानमय कोश भी बिना पंच इंद्रियों के नहीं हो सकता। ये देखो, तो मनोव्यापार हो चाहे बुद्धि व्यापार हो, उसके लिए इंद्रिय चाहिए। कल्पना करो मन सो गया हो तो इंद्रिय व्यापार कर ले, वो नहीं हो सकता। सो इकट्ठे चाहिए, पांचों के पांचों इकट्ठे ही चाहिए, और पांचों मिल करके ऐसा एक संघात बन गया है जैसे एक बोल्ट हट जाने से मोटर नहीं चल पाती है ना, ऐसे यह एक संघात है जिसको आप व्यक्तित्व बोलते हो, और इसमें एक भी चीज इधर उधर गई तो वेदना संतान भंग हो गया। वेदना संतान बने ज्ञान का एक प्रवाह चला हुआ है, मैं जगा हूं जगा हूं जगा हूं दिन भर, मैं जगा हूं माने क्या, आई एम अवेक माने क्या, यू आर अवेयर, किसी न किसी चीज के प्रति, किसी न किसी चीज के प्रति हम अवेयर हैं, संवेदना हमारे भीतर निरंतर है, कूटस्थ है या प्रवाही है। संघात की जो वेदना है वो तो प्रवाही ही है। तो संतान शब्द लिखा, संतान माने परंपरा, एक संतति है उसमें, एक प्रवाह है, एक सातत्य है। तो जीव की स्थिति यही है, व्यक्तित्व की स्थिति यही है। क्या बोलते हैं, शरीर इंद्रिय मनो बुद्धि विषय वेदना संतानस्य आत्मना। आत्मा शब्द के फिर ये ऊपर के जो शब्द हैं सबके सब विवरण हैं, और उसको संस्कृत भाषा में विशेषण बोल देते हैं। असल में वो विशेषण कोई विशेषण बताने के लिए नहीं है, वो व्याख्या करने के लिए है, विवरण करने के लिए। अच्छा, तो ये तो एक वेदना संतान हो रहा है, इसी शरीर में नहीं होता, शरीर बदलने पर भी होता है, फिर अगले शरीर में, फिर अगले शरीर में एक संतान चली हुई है। फिर क्या हुआ, अहंकार संबंधात अज्ञान बीजस्य, इस पूरे संघात में, वेदना संघात में अथवा संघात वेदना में एक अहंकार का संबंध है। क्या संबंध हुआ, अयम अहम अस्मि, यह पूरा का पूरा संघात मैं हूं,
चलो जी, तो अहंकार संबंधात अज्ञान बीजस्य, ये संबंध संबंध का हेतु क्या हुआ? अज्ञान। तो ये जो अहंकार, यह जो संसारी आत्मा हुआ, उसके बीज में कौन गया? बोले अज्ञान। असंगत ने अपने को संघात रूप में जाना, माना, ये अज्ञान के कारण ऐसा हुआ। अज्ञान बीजस्य, बोले महाराज ये जो अज्ञान बीजात्मक अहंकार है, संघातात्मा है, चलो ऐसा बोले, क्या संघातात्मा है, इसका निमित्त क्या है? ये जो प्रवाह रूप ज्ञान है, इसका निमित्त क्या है? और इस ज्ञान में जो अहम है, इसका निमित्त क्या है? हमारी कहानी कही जा रही है, प्रवाह रूप ज्ञान है और उस ज्ञान में अहम है, इसका निमित्त क्या है? बोले कम से कम चेतन तो नहीं है, ये शब्द बोलते हैं। नित्य विज्ञान अन्य निमित्तस्य, यह जो कूटस्थ चेतन है, उस चेतन में जो वेदना है, उस चेतन में जो ज्ञान है, वह चेतन, वह ज्ञान इस धारा रूप प्रवाही विज्ञान का निमित्त तो नहीं है। अन्य निमित्तस्य, कौन है इसका निमित्त? फिर बुद्धि का परिणमन स्वभाव, बुद्धि में निरंतर परिणमित होने की वृत्ति, बुद्धि का एक ही व्यापार है परिणमित होते रहना, और इसीलिए परिणमन को ही फिर क्या बोलते हैं? बुद्धि वृत्ति। ये वृत्ति माने वर्तनम, बर्ताव, व्यवहार, ये देखो। तो ज्ञान हमारे भीतर दो हो गए, एक तो नित्य विज्ञान हुआ, कूटस्थ विज्ञान, जिसको आप साक्षी चेतन बोलते हो, जिसको आप कूटस्थ चेतन बोलते हो, और एक हुआ धारा रूप विज्ञान, वृत्ति ज्ञान। वृत्तियां प्रवाहित हो रही हैं, बह रही हैं निरंतर निरंतर निरंतर। तो बौद्धाः प्रत्ययः उच्यन्ते, ये वृत्तियों का प्रवाह कैसे हो रहा है? वृत्तियां सत्वान से बनी है, माने बुद्धि वृत्ति, और परिणमन उसका स्वभाव है, क्योंकि प्रकृति का ही अंग होने के नाते। तो जो धारा है, जो प्रवाह है, वेदना प्रवाह, वो प्रकृति है, वो बौद्धिक है, वो नित्य विज्ञान रूप नहीं है। ये बोलते हैं नित्य विज्ञान अन्य निमित्तस्य। अच्छा, और जब आत्मा के यथात्व का ज्ञान हो गया, तो यह जो धारा रूप विज्ञान है वो मिथ्या सिद्ध हो गया। ये बुद्धि और बुद्धि की वृत्तियां दोनों ही बाधित हो गई, देह बाधित हो गया, क्योंकि ब्रह्माश्रय माया अस्ति, वहां से सारा निकला, तो सारा का सारा ही असद रूप है। ये लिखते हैं आत्म याथात्म, आत्म तत्व याथात्म विज्ञानात् विनिवृत्तौ अज्ञान बीजस्य। जैसे ही आत्म तत्व के याथात्म्य का विज्ञान हुआ, याथात्म ने यथाभाव, आत्मा जैसा है वैसा जाना गया, तो बोले अज्ञान बीज निवृत्त हुआ। पता चला कि ये संघात आत्मा नाम की कोई चीज वास्तव में है नहीं, एक असंघत चेतन मात्र है। और जैसे ही अज्ञान बीज का उच्छेद हुआ,
विच्छेदे आत्मनो मोक्ष संज्ञा, ये विच्छेद हुआ किसका, अज्ञान बीज का, अंतःकरणी भाव का विच्छेद हुआ, माने अहम संबंधात जो हो गया था, अंतःकरण का विच्छेद नहीं होना है, अंतःकरण अंतःकरणी भाव का, देह का विच्छेद नहीं बल्कि देही भाव का, संघात का विच्छेद नहीं बल्कि संघात आत्म भाव का। और संघात प्रारब्ध वशात जैसा चलता है, जब तक चलता है, चलता रहेगा, लेकिन उसमें जो आत्मबुद्धि है वो गई। आत्मभाव कहाँ हुआ, जहां उसको होना चाहिए, आत्मस्वरूप में। फिर से उसी दृष्टांत को लें, प्राण भाव गया, प्राणी भाव गया, तो क्या बचा, बोले वायु भाव। वायु भाव में अवस्थान स्वरूपावस्थान है, प्राण भाव में अवस्थान उपाधि में अवस्थान है, बना कि नहीं। आखिर प्राण भी किसका नाम है, वायु का, लेकिन वो उपाधि में स्थान होने के नाते वायु को हम प्राण बोल रहे हैं। अगर प्राणी भाव भंग होता है तो वायु भाव में अवस्थान से ही भंग होगा, अन्यथा भंग भी नहीं होगा। तो बोलते हैं विच्छेदे सति, ये सप्तमी है, विच्छेदे सति आत्मनः मोक्ष संज्ञा, विपर्यये च, और अगर विच्छेद नहीं हुआ है तो बंध संज्ञा। अगर तो संघात आत्मा बन करके बैठे हैं, बंध संज्ञा, और संघात के साथ जो अज्ञानात्मक संबंध बना हुआ है, अगर वो विच्छेद होता है तो उसी आत्मा को मुक्त बोलते हैं, मोक्ष संज्ञा ये बोलते हैं नारायण। स्वरूप अपेक्षत्वात् उभयो हो, बोले ये बंधन और मोक्ष दोनों ही स्वरूप की ही अपेक्षा रखते हैं। ये मत कहो कि बंधन संसारी का था और मुक्ति आत्मा की हुई, ये तो फिर क्या मतलब हुआ, माने बंधन में कोई और था तो मुक्त कोई और हो गया, ये बोलना भी प्रक्रिया में आरंभ में समझने की बात है। जीव बंधन में था, जीव कौन है भाई, तो बोले आभास चैतन्य, वो ठीक है। मुक्त कौन हुआ, आत्मा, क्योंकि आभास चैतन्य तो मुक्त क्या होगा, वो तो मरेगा, आप जानते हो ना, आभास प्रतिबिंब को तो बिंब भाव में जाना है, तो प्रतिबिंब भाव का क्या होगा, उसको मरना है। तो जिसको बंधन था, जिसने साधना की, वो तो मरा, मुक्ति किसकी हुई, जो पहले से ही मुक्त था ये असंगति है, ध्यान रखना, ऐसा कुछ होता नहीं। स्वप्न में जो डर रहा था, जगने के बाद वही निर्भय होता है। अगर डरने वाला कोई और हो और जगने के बाद निर्भय होने वाला कोई और हो, एक तो ये अनुभव विरुद्ध है, और दूसरा ये कि जगने का फायदा क्या, वो बेचारा शायद अभी भी डर रहा होगा स्वप्न में जो किसी कारणवश भयभीत था, पसीने आ गए थे उसको, जागने के बाद उसी को राहत मिलती है। नारायण, यहां जो बद्ध है
अपने को संसारी अनुभव करता है, अगर वही मुक्त नहीं है तो फिर का क्या मतलब है फिर? यहां देखना, ये सिद्धांत की बातें हैं। आत्मनो बंध संज्ञा, आत्मनो मोक्ष संज्ञा, ये इतने से संतोष नहीं है। आगे बोलते हैं स्वरूपापेक्षत्वात् उभयो हो, ये दोनों के दोनों ही स्वरूप की ही अपेक्षा से होते हैं। ये जरा टीकाकार को देखिए, जीवानाम क्रमेण अनेक शरीर अनुयायित्वात् प्रातिभासिकस्य शरीरादि संतानस्य मिथ्या अभिमान विषयत्वात् शुक्ति रूपवत् रूप्यवत्, रूप्य मने चांदी, शुक्ति रूप्यवत् अज्ञान बीजस्य विच्छेदे सति आत्मनो मोक्ष संज्ञा इति संबंध। आत्मन इति कस्माद् उच्यते, विशिष्टस्य बंध मोक्षो किम् न इष्यते, ये प्रश्न है, ये पढ़ना चाहते थे। पूर्व पक्ष क्या उठाया, विशिष्टस्य बंध मोक्षो किम् न इष्यते, जो विशिष्ट है, विशिष्ट माने संघात से विशिष्ट है, जो जीव है उसी को हम क्यों न कहें कि उसी का बंधन होता है और उसी को मोक्ष होता है, आत्मा को क्यों कहा जा रहा है? आत्मन इति कस्माद् उच्यते, आत्मा का बंधन था और आत्मा मुक्त हुआ, ऐसी बात क्यों कही जा रही है? हालांकि आप बार बार सुनेंगे कि आत्मा में बंध मुक्ति नहीं है, वो आत्मदृष्टि से कही जाती है बात, लेकिन फिर बंध मोक्ष अगर आत्मा की नहीं तो किसकी है? फिर किसकी बोले? शरीर की, किसकी बोले? बोले संसारी की। ये संसारी कौन है? आत्मा से व्यतिरिक्त, आत्मा से व्यतिरिक्त तो सिद्ध नहीं किया उन्होंने, कि उन्होंने क्या कहा, ईश्वरे संसारित्वम, भले ही अध्यारोपितम किंतु संसारित्वम कुत्र, ईश्वरे। तो यहां तो आनंद गिरि जी महाराज ने और उसको प्रबलता से प्रश्न बना के रखा, बोले आत्मन कस्माद् उच्यते, विशिष्टस्य बंधो मोक्षो किम् न इष्यते, ये जो विशिष्ट है संघात विशिष्ट चेतन, उसी में बंधन है और उसी में मोक्ष होता है, ऐसा क्यों न कहा जाए? बोलते हैं स्वरूप अपेक्षत्वात् इति, ना स्वरूप की अपेक्षा से ही बंधन और मोक्ष है। कैसे? अब आगे बोलते हैं विशिष्टस्य मोक्षे अन्वय असंभवात्। क्या बढ़िया पंक्ति है, सूक्ष्म महीन एक गांठ खोली है। बोले जीव का मुक्ति में अन्वय नहीं होता, अन्वय का मतलब होता है जिसके होने से जो हो, यही ना। जिसके होने से जो हो उसको अन्वय कहते हैं। अब विशिष्ट जीव होगा तो मुक्ति नहीं होगी, और मुक्ति होगी तो विशिष्ट जीव नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि विशिष्ट जीव का मोक्ष में अन्वय नहीं हो रहा है। पकड़ में आ गया होगा, संगात इसी को बोलते हैं, मीरा जी ने इसी को कहा, सूली ऊपर सेज पिया की, किस विध मिलना होई, सूली पर पहले जीव चढ़े, दोनों एक साथ नहीं हो सकता ना, संसारित्वम और असंसारित्वम दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो अगर विशिष्ट आत्मा बन करके कोई है तो उसी समय सर्वात्मा नहीं हो सकता, पहले तुम मरो। इसको कबीर बोलते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं,
दोनों एक साथ नहीं हो सकते। बोले ये अद्भुत प्रेम गली है, ये दुनिया वाला प्रेम ना समझ लेना, जिसको उन्होंने कहा प्रेम गली अति सांखरी जामे दुइने समाए। सर्टिफिकेट मिल गया ये फिल्मी गाना गाने वालों को कि दो नहीं होगा, दूसरा आएगा तो झगड़ा होगा, ईर्ष्या होगी, जलन होगी। किसने कहा? अरे बोले संतों ने कहा है, आप कोई बात समझते हो? प्रेम गली अति सांकरी जामे दुई ने समाए। तो तुम तो दो जा रहे हो। बोले नहीं, तीसरे को मना किया है। बोले तीसरा कहां शब्द लिखा है? वहां शब्द क्या है? दो न समाए। तुम दोनों कैसे घुसे जा रहे हो उस? यहां दो नहीं घुस सकते, तीसरे की बात नहीं कही गई है। यहां एक ही जा सकता है, या तो संसारी रहे या असंसारी रहे। बहुत बढ़िया पंक्ति है, कीमती। बोलते हैं विशिष्टस्य मोक्षे अन्वय असंभवात्। विशिष्ट आत्मा जो उपाधि में उपहित है, उसमें अभिमान किए बैठा है, उसका मोक्ष में अन्वय नहीं होता। मोक्ष होगा तो वो नहीं होगा, वो होगा तो मोक्ष नहीं होगा। तो बोलो तो फिर उसको मोक्ष हुआ, ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुमने यही तो कहा ना कि विशिष्ट का बंधन होता है, विशिष्ट को ही मुक्ति होती है। अरे विशिष्ट को मुक्ति किधर होती? बेचारे का मरण होता है। ये बोलते हैं विशिष्टस्य मोक्षे अन्वय असंभवात्, अन्वयेवा संसार अनिवृत्ति प्रसंगात। और अगर तुम मोक्ष में भी विशिष्ट आत्मा को लेके जाओगे तो वो विशिष्ट होने के कारण उसका संसार बना रहेगा, तो मोक्ष कैसा? देखो अन्वय सति संसार अनिवृत्ति प्रसंगात। खोल दिया। इसलिए बंधन और मुक्ति का संबंध आत्मा से है, सीधी बात करो। आत्मदेव का अन्वय बंधन में भी है और मुक्ति में भी है। ओहो, दूसरी बात बोलते हैं अन्यस्य च बंधे अन्यस्य च मोक्षे। आपको दिखाई देता है क्या टोन है? बोले बंधन किसी और का, मुक्ति किसी और की हो गई है जी। दर्द किसी को हो रहा था, मरहम किसी और के सिर पे लगा आए। बोले लगा दिया मरहम? बोले लगाया। किसके लगाया? बोले जो सामने पहले मिल गया। बोले गए तो थे उसके सिर पे लगाने के लिए। विशिष्ट आत्मा को बंधन है, मुक्त कौन हुआ? परम आत्मा। ये बोलते हैं अन्यस्य च बंधे अन्यस्य च मोक्षे। इससे क्या होगा? साधन वैयर्थ्यात्। बेचारे ने साधन चतुष्टय बड़ी मुश्किल से पैदा करा। किसने? विशिष्ट आत्मा ने। मेहनत उसने करी, उठते जागते सोते टहलते भी चर्चा करता है। हाँ, टहलते समय भी कुछ कुछ चर्चा करेगा। मेहनत वो कर रहा है और मुक्ति किसी और की हो गई। तो बोले साधन व्यर्थ्यात्, सारे साधन व्यर्थ हो गए। ये पुष्ट करने के लिए भाष्यकार की इस वाणी को पुष्ट करने के लिए कि ये उभयो हो बंध मोक्षयो हो, दोनों क्या हैं? स्वरूप अपेक्षत्वात्। ये तुम इधर उधर की बात ना करो। जो अभी बद्ध महसूस करता है, राहत उसी को मिलनी चाहिए। जो अभी साधक है वही सिद्ध है,
अगर वो सिद्ध नहीं है तो फिर साधना का फल किसको मिला। अभी मैंने दृष्टांत दिया दूसरा, जो स्वप्न में डरा हुआ था वही जगा और राहत उसी को मिली। हाँ ये बात ठीक है कि स्वप्न में जिस देह का अभिमानी था वो अब जागृत में उस देह का अभिमान उसको नहीं है, लेकिन अभिमान करने वाला वही है, देह चाहे न रहे, उपाधि चाहे न रहे, लेकिन द वेरी एग्जिस्टेंस इज द सेम। ये प्रामाणिक वाक्य मिल जाते हैं ना, कहीं आप ऐसे छोटे ग्रंथों में पढ़े। अब वो एक तो विवादित रहता है कि इस किस ग्रंथकार की रचना है, बड़ी मुश्किल होती है, इसलिए सबसे ज्यादा भरोसा भाष्य पर होता है। नहीं ये तो प्रामाणिक निर्विवाद है, या फिर श्रुति वाक्य हो, गीता जी का वाक्य हो, नहीं तो कहीं कहीं कुछ कुछ अगर लिख गया थोड़ा सा भी मिसलीड करता हो, वहम पैदा करता हो तो मुश्किल हो जाए। तो सोचते रहेंगे आभास चैतन्य तो मैं हूं, मुक्त कोई और होगा, मुक्त कोई और हो गया, मैं तो रह गया आभास का, आभास चैतन्य मरो फिर। अरे भैया ये बोलते हैं साधन वैयर्थ्यात् उपाधि वैशिष्ट्य द्वारेण स्वरूपस्य एव उपाधि प्रतिबिंब कल्पस्य बंधमोक्षौ। बोले उपाधि के द्वारा विशिष्ट, उपाधि वैशिष्ट्य द्वारेण, उपाधि की विशिष्टता के द्वार से स्वरूप की ही, स्वरूपस्य एव उपाधि प्रतिबिंब कल्पस्य, ये स्वरूप ही उपाधि में प्रतिबिंब के रूप में कल्पित हुआ है। कौन कल्पित हुआ है? स्वरूप ही, स्वरूपस्य एव उपाधि प्रतिबिंब कल्पस्य बंध मोक्षौ। ये प्रतिबिंब की भी बात बोल दें जरा, प्रतिबिंब बिंब से सर्वथा जुदा नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, बल्कि बिंब ही जब अन्यत्र दिखता है तो उसको प्रतिबिंब बोलते हैं। देखो आपको अपना हाथ ऐसे सीधे दिखे तो आप बोले यथार्थ दर्शन है, ठीक है, अपना हाथ यहाँ दिखता है तो बोले यथार्थ दर्शन है, और यहाँ दर्पण लगा के वहाँ देखें तो क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब दर्शन है। स्थिति क्या है कि इस हाथ पर प्रकाश गिरा और सीधे आँख में आने की बजाय फिर कहाँ गया, दर्पण पे, और दर्पण से यहाँ आया, ठीक। तो चूंकि प्रकाश की ट्रेवलिंग रूट बदल गई इसलिए ये हाथ यहां दिखने की बजाय कहां दिखा, वहां दिखने लगा, तो वहां उसका अन्यत्र दिखना गलत है, हाथ दिखना गलत नहीं है। आया पकड़ में? माने इसमें मिथ्या क्या है, हस्त दर्शन या हस्त का अन्यत्र दर्शन, इतना ही गलत है। प्रतिबिंब मिथ्या है जब हम बोलते हैं तो प्रतिबिंब का अन्यत्र अवभास गलत है। प्रतिबिंब इज नथिंग बट बिंब इट्सेल्फ, बिंब ओनली। पकड़ में आता है? सूर्य का नभमंडल में दिखना यथार्थ है और जल में दिखना अयथार्थ है। और जल में दिख कौन रहा है? सूर्य एग्जैक्टली सूर्य दिख रहा है, यहां से भी प्रकाश की किरणें ही आती हैं और वहां से भी प्रकाश की किरणें ही आती हैं, लेकिन वहां एक और मीडियम आ गया, उपाधि आ गई जो एक ट्रिक करती है,
एक खेल खेल जाती है। क्या खेल खेल जाती है कि जो सूर्य ऊपर दिखना चाहिए था अब उसको उसने नीचे दिखा दिया। मैं इतनी बात है, प्रतिबिंब का इतना ही मतलब है। जब आप कहते हो जीवात्मा प्रतिबिंब है, इसका मतलब क्या हुआ फिर? क्या आप किसको देख रहे हो? आत्मा को ही, लेकिन जहां दिखना चाहिए वहां नहीं देख रहे हो। कहां देख रहे हो? बोले अंतःकरण में, दैट्स ऑल, जहां कि उसको नहीं देखना चाहिए। आत्मा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, वहां देखो नहीं। एक ट्रिक हो गया बीच में, संघात में देखने लग गए। ये तो संघात में देखना गलत है, लेकिन जो दिख रहा है वो कौन है? बोले वो आत्मा ही है, और कौन है? परावर्तित प्रकाश आपकी आंख को जहां दिखा दे वहां आप देखने लग जाते। जहां है वहां दिखा दे, यथार्थ दर्शन। जहां नहीं है वहां दिखा दे, प्रतिबिंब दर्शन हो गया। और क्या है? और उस प्रकाश के गति मार्ग को बदल देने वाला जो उपाधि है उसको आप दर्पण कहो या उसको आप जल कहो, और क्या है? नारायण। एक आदमी के कान कुछ गड़बड़ हो जाए, सामने से कोई बोलता है उसको लगता है इधर से आवाज आ रही है। कभी होता है जो शब्द सुन रहा है वो गलत है क्या? केवल उसका रूट बदला हुआ है, तो जहां वो सुनाई देता है वो जगह गलत है, शब्द नहीं। हो सकता है वो शब्द इधर से सुनता हो तो वो इधर देखे कि आप ये तो कौन बोल नहीं रहा है कोई, तो उसका वो देखना, उसका जो व्यापार है वो अन्यत्र दर्शन के कारण, अन्य दर्शन के नहीं, अन्यत्र दर्शन के कारण उसके व्यवहार में गलती लग रही है। लेकिन शब्द तो सुन रहा है, शब्द तो यथार्थ है। नारायण, ऐसा है प्रतिबिंब। तो स्वरूपस्य एव, ये शब्द ध्यान देना, ये हमारे पूज्याचार्य लोग हैं, इधर उधर के लोग नहीं। ये तो जब लिखते हैं तो अनुभूति उसके साथ है, परंपरा उसके साथ है। क्या बोलते हैं? स्वरूपस्य एव उपाधि प्रतिबिंब कल्प कल्पित प्रतिबिंब कल्पस्य बंध मोक्षौ। प्रतिबिंबो ही वाच्य रूपेण मिथ्या, लेकिन लक्ष्य रूपेण तो बिंबम एव इति। ये वाक्य देखना, क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब वाच्य रूपेण, वाच्यार्थ के रूप में मिथ्या है, लेकिन लक्ष्य रूपेण जिसको देख रहे हो तुम वो तो निश्चित बिंब ही है। ये है बल। इसलिए जीव जो है चेतन का प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब माने क्या? प्रतिबिंब माने होता क्या है? आप संघात में अपने को देखो, यही है प्रतिबिंब होना। असंगत देखो, ये बिंब है। अन्यत्र देखते हो वो गलत है। ये बोलते हैं प्रतिबिंबो ही वाच्य रूपेण मिथ्या, लक्ष्य रूपेण तो बिंबम एव इति। स्वरूपावस्थानम मुक्ति उपपद्यते, तभी ये मुक्ति शब्द सही हो पाएगा। स्वरूप में अवस्थान होना मुक्ति है। ये जो परिभाषा दी जाती है ये तभी सफल हो सकती है जब कोई स्वरूप से विचलित हो गया था, विचलित सा हो गया था, और स्वरूप में फिर अवस्थान हुआ। स्वरूपावस्थान का मतलब जहां है वहां अवस्थित हो गया।
अन्यत्र दर्शन बंद हो गया। ये बिंबम एव बिंबमेव इति स्वरूपावस्थान मुक्ति ही उपपद्यते तदुक्तम। फिर उसका उदाहरण देते हैं। अब हम भाष्य में आते हैं। अब जाके ईश्वर शब्द की यहाँ पर व्याख्या समाप्त होती है। और जो उपनिषद में कथा का प्रसंग था वो आरंभ होता है। तो हमारा संकल्प ये था कि इस पूरे भाष्य को एक बार हम पढ़ते हैं, ठीक है। ईश्वर से संबंधित जो भाष्य है उसका एक बार पाठ करते हैं और फिर कथा में हम परसों से प्रवेश करेंगे। कल हमारा समाधि का, गुरुदेव की पुण्यतिथि का अवसर है, तो पूरे दिन हम लोग उस अवसर पर जो जो करणीय है उसमें संलग्न होंगे। परसों से फिर कथा में प्रवेश करेंगे। अभी आप महाशय पाठ शुरू करें, दोहराएंगे। इस बार क्या हुआ कि भाष्य हमने दोहराया नहीं है ना, हम अकेले पढ़ते चले गए क्योंकि समय बहुत लगना था। अगर रोज़ रोज़ दोहराते तो वैसे ही समय बहुत लगा। किस तारीख से शुरू है ईश्वर का वो 21 जुलाई से 10-11 दिन लग गए हैं। कब से है यही होगा, 22 कक्षाएं हो गई ऐसा। नारायण, तो आइए अब पढ़ते हैं। इसका अलग बना सकते हैं, ये एक अलग से लिखा भी जा सकता है। ब्रह्म देवेभ्य इति ब्रह्मणो दुर्विज्ञेयता उक्तिः यत्नाधिक्यार्था समाप्ता ब्रह्मविद्या यदधीनः पुरुषार्थः। अतः ऊर्ध्वमर्थवादेन ब्रह्मणो दुर्विज्ञेयतोच्यते तद्विज्ञाने कथं नूनाम यत्नमधिकं कुर्यादिति। समाद्यर्थो वा आम्नायो विमानसातनात् समादिवा ब्रह्मविद्यासाधनं विधित्सितम् तदर्थोऽयमर्थवादाम्नायः नहि समाधिसाधनरहितस्याभिमानरागद्वेषादियुक्तस्य ब्रह्मविज्ञाने सामर्थ्यमस्ति। व्यावृत्तबाह्यमिथ्या प्रत्यय ग्राह्यत्वाद् ब्रह्मणः यस्माच्चाज्ञादीनां जयाभिमानं शातयति ततश्च ब्रह्मविज्ञानं दर्शयत्यभिमानोपशमे। तस्मात् समाधिसाधन विधानार्थो यमर्थवाद इत्यवसीयते।
सगुणोपासनार्थो वापोदितत्वात् नेदं यदिदमुपासत इत्युपास्यत्वं ब्रह्मणोपोदितमपोदितत्वादनुपास्यत्वे प्राप्ते तस्यैव ब्रह्मणः सगुणत्वेनाधिदैवमध्यात्मं चोपासनं विधातव्यम् इत्येवमर्थो वा इत्यधिदैवतम् तद्वनमित्युपासितव्यमिति हि वक्षति ब्रह्मेति परो लिङ्गात् नहि अन्यत्र परादीश्वरान् नित्य सर्वज्ञात् परिभूय अज्ञादीन्स्तृणं वज्रीकर्तुं सामर्थ्यमस्ति तन्न शशाकदग्धुमित्यादिलिङ्गात् ब्रह्मशब्दवाच्यः ईश्वरः इत्यवसीयते नहि अन्यथाग्निस्तृणं दग्धुं नोत्सहते वायुर्वा दातुम् ईश्वरेच्छया तृणमपि वज्रो भवतीत्युपपद्यते ईश्वरेच्छया तृणमपि वज्रो भवतीत्युपपद्यते तत्सिद्धिर्जगतो नियतप्रवृत्तेः श्रुतिस्मृतिप्रसिद्धिभिर्नित्यसर्वविज्ञानैश्वरे सर्वात्मनि सर्वशक्तौ सिद्धेऽपि शास्त्रार्थनिश्चयार्थमुच्यते तस्येश्वरस्य सद्भावसिद्धिः कुतो भवतीत्युच्यते यदिदं जगद्देवगन्धर्वयक्षरक्षपितृपिशाचादिलक्षणम् द्युव्यत्पृथिव्यादित्यचन्द्रग्रहनक्षत्रविचित्रं विविधप्राणी उपभोगयोग्यस्थान साधनसम्बन्धी विविधप्राण्युपभोगयोग्यस्थानसाधन तदत्यन्तकुशलशिल्पिभिरपि दुर्निर्माणम् देशकालनिमित्तानुरूपनियतप्रवृत्तिनिवृत्तिक्रममेतद्भोक्तृकर्मविभागज्ञप्रयत्नपूर्वकं भवितुमर्हति कार्यत्वे सति यथोक्तलक्षणात् कार्यत्वे सति यथोक्तलक्षणत्वात्
गृह प्रासाद रथ शयनासनादिवत् विपक्षात्मादिवत् कर्मणयेवेति चेत् न परतन्त्रस्य निमित्तमात्रत्वात् यदिदमुपभोगवैचित्र्यं प्राणिनां तत्साधनवैचित्र्यं च देशकालनिमित्तानुरूपनियतप्रवृत्तिनिवृत्तिक्रमं च तन्न नित्यसर्वज्ञकर्तृकम् किं तर्हि कर्मण एव तस्याचिन्त्यप्रभावत्वात् सर्वैश्च फलहेतुत्वाभ्युपगमात् सदि कर्मणः फलहेतुत्वे किमीश्वराधिककल्पन येति न नित्यस्येश्वरस्य नित्यसर्वज्ञशक्तेः फलहेतुत्वं चेति चेत् न कर्मणः एवोपभोगवैचित्र्याद्युपपद्येत कस्मात् कर्तृतन्त्रत्वात् कर्मणः चितिमत्प्रयत्ननिर्वृत्तं हि कर्म तत्प्रयत्नो परमादुपरतं सद्देशान्तरे कालान्तरे वा नियतनिमित्तविशेषापेक्षं कर्तुः फलं जनयिष्यति इति न युक्तमनपेक्षान्यदात्मनः प्रयोक्तृ कर्तैव फलकाले प्रयोक्तेति चेत् मया निर्वर्तितोऽसि त्वां प्रयोक्ष्ये फलायदात्मानुरूपं फलमिति न देशकालनिमित्तविशेषानभिज्ञत्वात् यदि हि कर्ता देशविशेषाभिज्ञः सन्न स्वातन्त्रेण कर्म नियुञ्ज्यात् ततो अनिष्टफलस्याप्रयुक्ता स्यात् न च निर्निमित्तं तदनिच्छयात्मसमवेतं तच्चर्मवद्विकरोति कर्म न चात्मकृतमकर्तृसमवेतमयस्कान्तमणिवदाकृष्टृ भवति प्रधानकर्तृसमवेतत्वात् कर्मणः भूताश्रयमिति चेन्न साधनत्वात् कर्तृक्रियायाः साधनभूतानि भूतानि क्रियाकालेऽनुभूतव्यापाराणि समाप्तौ च हलादिवत्कर्त्रा परित्यक्तानि न फलं कालान्तरे
कर्तुमुत्सहन्ते भूतानि क्रियाकालेन भूतव्यापाराणि समाप्तौ च हलादिवत् कर्त्रा नहि अलं क्षेत्राद् ब्रीहिन् गृहं प्रवेशयति भूतकर्मणोश्चाचेतनत्वात् स्वतः प्रवृत्त्यनुपपत्तिः वायुवदिति चेन्नासिद्धत्वात् नहि वायोरचिति मतस्वद प्रवृत्तिसिद्धारथादिषुवत् रथादिषु नहि वायोरचिति मतस्वद प्रवृत्तिसिद्धारथादिष्वीदर्शनात् रथादिष्वीदर्शनात् शास्त्रात् कर्मण एवेति चेच्छात्रं हि क्रियातः फलसिद्धिमाहनेश्वरादेः स्वर्गकामो यजेतेत्यादि न च प्रमाणाधिगतत्वादानर्थक्यं युक्तम् न चेश्वरास्तित्वे प्रमाणान्तरमस्तीति चेत् न दृष्टन्यायान्यायहानानुपपत्तेः क्रिया हि द्विविधा दृष्टफलाद्दृष्टफला च दृष्टफला विद्विविधानन्तरफलागामी फला च अनन्तरफलागतिभुजिलक्षणा कालान्तरफला च कृषिसेवादिलक्षणा तत्रानन्तरफलापलापवर्गिण्येव कालान्तरफलातोत्पन्नप्रध्वंसिनी आत्मसेव्याद्यधीनं हि कृषिसेवादेः फलम् यतो न चोभयन्यायव्यतिरेकेण स्वतन्त्रं कर्म ततो वा फलं दृष्टम् तथा च कर्मफलप्राप्तौ न दृष्टन्यायः नमुपपद्यते तस्माच्छान्ते यागादिकर्मणि नित्यः कर्तृकर्मफलविभागज्ञ ईश्वरः सेव्यादिवद्यागाद्यनुरूपफलदातोपपद्यते स च आत्मभूतः सर्वस्य सर्वक्रियाफलवृत्ते साक्षी नित्यविज्ञानस्वभावः संसारधर्मैरसंस्पृष्टश्रुतेश्च न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः
जरा मृत्युमत्येति विजरो विमृत्युः सत्यकामस्सत्यसंकल्पः एष सर्वेश्वरः पुण्यं कर्म कारयति अनस्नन्नन्योऽभिचाकषीति एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने इत्याद्या संसारिणः एकस्यात्मनो नित्यमुक्तस्य सिद्धौ श्रुतयः स्मृतयश्च सहस्रशो विद्यन्ते न चार्थवादा शक्यन्ते कल्पयितुम् अनन्ययोगित्वे सति विज्ञानोत्पादकत्वात् न चोत्पन्नं विज्ञानं बाध्यते यत् अप्रसीदे अप्रतिषेधाच्च न चेश्वरो नास्तीति निषेधोऽस्ति प्राप्त्यभावादिति चेन्नोक्तत्वात् न हिंस्यादिवत् प्राप्त्यभावात् प्रतिषेधो नारभ्यत इति चेत् न ईश्वरसद्भावे न्यायस्योक्तत्वात् अथवा प्रतिषेधादिति कर्मणः फलदान ईश्वरकालादीनां न प्रतिषेधोऽस्ति न च निमित्तान्तरनिरपेक्षं केवलेन कर्त्रैव प्रयुक्तं फलदं दृष्टम् न च विनष्टो वियागः कालान्तरे फलदो भवति सेव्यबुद्धिवत्सेवकेन सर्वज्ञेश्वरबुद्धौ तु संस्कृतायां यागादिकर्मणा विनष्टेऽपि कर्मणि सेव्यादिवेश्वरात् फलं कर्तुर्भवतीति युक्तम् सेवकेन सर्वज्ञेश्वरबुद्धौ तु संस्कृतायां यागादिकर्मणा विनष्टेऽपि कर्मणि सेव्यादिवेश्वरात् फलं कर्तुर्भवति न तु पुनः पदार्थावाक्यशतेनापि देशान्तरे कालान्तरे वा स्वं स्वं स्वभावं जहति
आत्मा सर्वांतरैति श्रुतेः सैव चात्रात्मा जन्तूनां नान्यतोऽस्ति द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता नान्यदतोऽस्ति विज्ञात्रेत्याज्ञात्मन् आत्मान्तर प्रतिषेधश्रुतेस्तत्त्वमसीति चात्मत्वोपदेशात् द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता नान्यदतोऽस्ति विज्ञात्रेत्याद्यात्मान्तरप्रतिषेधश्रुतेस्तत्त्वमसीति चात्मत्वो नहि मृत्पिण्डः काञ्चनात्मत्वेनोपदिश्यते ज्ञानशक्ति कर्मोपास्योपासकशुद्धाशुद्धमुक्ता मुक्तभेदादात्मभे आत्मभेद एवेति चेत् न भेददृष्ट्यपवादात् यदुक्तं संसारिण ईश्वरादनन्या इति तन्न किं तर्हि भेद एव संसार्यात्मनाम् कस्माल्लक्षणभेदादश्वमहिषवत् कथं लक्षणभेद इत्युच्यते ईश्वरस्य तावन्नित्यं सर्वविषयं ज्ञानं सवित्रि प्राशवत् तद्विपरीतं संसारिणां खद्यो तस्येव तथैव शक्तिभेदोऽपि तथैव शक्तिभेदः नित्या सर्वविषया चेश्वरशक्तिर्विपरीत इतरस्य कर्म च चित्स्वरूपात्मसत्तामात्रनिमित्तमीश्वरस्य घंटी बजा औष्ण्यस्वरूप द्रव्य सत्ता मात्र निमित्त दहन कर्मवत् राजा यस्कांत प्रकाश कर्मवच्च स्वात्मा विक्रिया रूपम् विपरीतमितरस्य उपासीतेति वचनादुपास्य ईश्वरो गुरुराजवत् उपासकस्येतरशिष्यभृत्यवत् अपहद्वाप्मादिश्रवणात् नित्यशुद्ध ईश्वरः पुण्यो वै पुण्येनेति वचनाद्विपरीत इतरः अत एव नित्यमुक्त एवेश्वरो नित्याशुद्धियोगात् संसारीतरः अपि च यत्र ज्ञानादिलक्षणभेदोऽस्ति तत्र भेदो दृष्टः यथाश्वमहिषयोस्तथा ज्ञानादिलक्षणभेदादीश्वरादात्मनां भेदोऽस्तीति चेत् न
कस्मात् अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद ते क्षय्यलोका भवन्ति मृत्योस मृत्युवाप्नोतीति भेददृष्टिर्हि अपोद्यते एकत्वप्रतिपादिन्यस्य श्रुतयः सहस्रजो विद्यन्ते यदुक्तं ज्ञानादिलक्षणभेदादि यत्रोच्यते नानाभ्युपगमात् बुद्ध्यादिभ्यो व्यतिरिक्ता विलक्षणाश्चेश्वराद् भिन्नलक्षणात्मानो न सन्ति एक एवेश्वरश्चात्मा सर्वभूतानां नित्यमुक्तोऽभ्युपगम्यते बाह्यश्चक्षुर्बुद्ध्यादिसमाहारसन्तानाहङ्कारममत्वादिविपरीतप्रत्ययप्रबन्धाविच्छेदलक्षणः नित्यशुद्धबुद्धमुक्तविज्ञानात्मेश्वरगर्भः नित्यविज्ञानावभासश्चित्तचैत्यबीजबीजिस्वभावः कल्पितो नित्यविज्ञानैश्वरलक्षणविपरीतोऽभ्युपगम्यते यस्याविच्छेदे संसारव्यवहारः विच्छेदे च मोक्षव्यवहारः अन्यश्च मृत्प्रलेपवत्प्रत्यक्षप्रध्वंसो देवपितृमनुष्यादिलक्षणो भूतविशेषसमाहारः न पुनश्चतुर्थोऽन्यो भिन्नलक्षण ईश्वरादभ्युपगम्यते बुद्ध्यादिकल्पितात्मव्यतिरेकाभिप्रायेण तु लक्षणभेदादित्याश्रया सिद्धो हेतु ईश्वरादन्यस्यात्मनो सत्त्वात् ईश्वरस्यैव विरुद्धलक्षणत्वमयुक्तमिति चेत् सुखदुःखादियोगश्च न निमित्तत्वे सति लोकविपर्ययाध्यारोपणात् सवित्रिवत् यथा हि सविता नित्यप्रकाशरूपत्वात् लोकाभिव्यक्त्यनभिव्यक्तिनिमित्तत्वे सति लोकदृष्टिविपर्ययेणोदयास्तमयाहोरात्रादिकर्तृत्वाध्यारोपभाग्भवत्येवमीश्वरे नित्यविज्ञानशक्तिरूपे लोकज्ञानापोहसुखसुखदुःखस्मृत्यादिनिमित्तत्वे सति लोकविपरीतबुद्ध्याध्यारोपितं विपदि विपरीतलक्षणत्वं सुखदुःखादयश्च
उदयास्तमयाहोरात्रादिकर्तृत्वाध्यारोपभाग्भवत्येवमीश्वरे नित्यविज्ञानशक्तिरो लोकज्ञानापोहसुखदुःखस्मृत्यादिनिमित्तत्वे सति विपरीतबुद्ध्याध्यारोपितं विपरीतलक्षणत्वम् आत्मदृष्ट्यनरूपाध्यारोपाच्च यथा घनादिविप्रकीर्णेऽम्बरे येनैव सवितृप्रकाशो न दृश्यते स आत्मदृष्ट्यनरूपमेवाध्यस्यति सवितेदानीमिह न प्रकाशयतीति इति एव प्रकाशेऽन्यत्र भ्रान्त्या अम्बरे स एवमिह बौद्धादिवृत्त्युद्भवाकुलभ्रान्त्याध्यारोपितसुखदुःखादियोग उपपद्यते तत्स्मरणाच्च तस्यैवेश्वरस्यैव हि स्मरणम् मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च नादत्ते कस्यचित् पापम् इत्यादि अतो नित्यमुक्त एकस्मिन् सवितरीव लोका विद्याध्यारोपितमीश्वरे संसारित्वम् संसारित्वम् शास्त्रादि प्रामाण्यादध्युपगमगतम् असंसारित्वमित्यविरोधैति दभ्युपगतमसंसारित्वमित्यविरोधै एतेन प्रत्येकं ज्ञानादिभेदः प्रत्युक्तः सौक्ष्म्यचैतन्यसर्वगतत्वाद्यविशेषे च भेदहेत्वभावात् विक्रियावत्त्वे चानित्यत्वात् मोक्षे च विशेषानभ्युपगमादभ्युपगमे चानित्यत्वप्रसङ्गात् अविद्यावदुपलभ्यत्वाच्च भेदस्य तक्षयेनुपपत्तिरिति सिद्धमेकत्वं तस्माच्छरीरेन्द्रियमनोबुद्धिविषयवेदनासन्तानस्याहङ्कारसम्बन्धादज्ञानबीजस्य नित्यविज्ञानान्यनिमित्तस्यात्मतत्त्वयाथात्म्यविज्ञानाद्विनिवृत्ताभिज्ञानबीजस्य विच्छेदात्मनो मोक्षसंज्ञा विपर्यये च बन्धसंज्ञा मनोबुद्धिविषयवेदनासन्तानस्याहङ्कारसम्बन्धज्ञानबीजस्य नित्यविज्ञानान्यनिमित्तस्यात्मतत्त्व विज्ञानाद्विनिवृत्ताज्ञानबीजस्य विच्छेदात्मनो मोक्षसंज्ञा विपर्यये च स्वरूपापेक्षत्वादुभयोः
स्वरूपापेक्षत्वादुभयोः इति ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ